मुझे ठीक नहीं लगा बताना, मोनेटाइजेशन की बात भी बहुत स्ट्रगल होता है जब तक हमारा चैनल अच्छे से ग्रो ना हो जाए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। और आज है दिव्यानाज डे और अभी टाइम हो रहा है 8:30। मैं और किट्टू छत पे टहलने आए थे, लेकिन इतनी तेज धूप देख के हिम्मत नहीं कर रही थी और टहलने का, तो बस थोड़ी देर में टहलूंगी। थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया है तो मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नहा धोली हूँ मैं और अभी टाइम हो रहा होगा 11:30, 12 बजे से पहले का टाइम है ये। और मैं पूजा कर रही थी तो इधर किट्टू बैठ के देख सकते हैं क्या कर रहा है। बस इसको तो कुछ ना कुछ चाहिए खोड़ा पाती करने के लिए, तो फटाफट से मैं पंखा पहले बंद कर दूंगी। मैं जब से बोल रही थी पंखा बंद कर दीजिए ताकि मैं धूप अच्छे से धूप जल जाए, नहीं तो माचिस की तिल्ली कितना भी लगा दो नहीं जलती है। तो चलिए छत पे चलते हैं जल डालने के लिए तुलसी जी में। तो चप्पल पहन के जाऊंगी क्योंकि धूप भी है और बारिश जैसा मौसम भी है। और किट्टू को मैं ले ली हूँ, किट्टू विदाउट पैंट भी नहीं पहन रखा है। तो यहाँ पे जो गेट होता है ना, इस गेट को खोलने में बहुत परेशानी होती है। मैंने लोटा ले लिया है जिससे जल चढ़ाऊंगी। ये करवा चौथ पे मैंने लिया था थाली लोटा छन्नी जो जिसमें फेस देखते हैं उसके साथ ही दिया था ये। और बाबू नंगू है, पैंट नहीं पहन रखा था तो थोड़ा सा उसका भी आ गया है। और यहाँ पे मैं टंकी से भर लूंगी पानी, नीचे वाले टंकी से नहीं भरती हूँ क्योंकि वॉशरूम अटैच है तो थोड़ा सा मन नहीं मानता है इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ मैं अपना तुलसा जी। ये सबके यहाँ अलग अलग हैं भाई, अपने अपने तुलसा जी में जल डालो। तो यहाँ पे मैं अपने तुलसा में जल डाल लूंगी और बूंदे आनी स्टार्ट हो गई है, दिख भी रहा होगा आपको। तो हम नीचे आ गए हैं और ये चप्पल पहन के बारिश में छप 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 कर रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है ये। और ये सारी क्लिप है वेनसडे की ही है ये। और चलिए सुला देती हूँ इसको, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। देख सकते हैं बाबू सो गया है, उसके बाद मैंने साड़ी वेयर किया है। पर्सनली कह रही हूँ, पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है साड़ी वेयर करके, तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पे अपनी साड़ी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैठ के करूंगी मेकअप, जो कि उसमें मैंने नहीं दिखाया था मेकअप, थोड़ा सा इसमें ही दिखाऊंगी आपको मेकअप मैं साड़ी में करी हूँ। बाबू सो रहा है उधर, मैंने कुछ भी उठाया नहीं है क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा, अगर कुछ उठा दूंगी तो बस वो उठ जाएगा। और एक मैं अभी 2-3 ब्लाउज एक साथ ही दूंगी सिलने के लिए, तो मैं करूंगी अपना मेकअप थोड़ा सा नहीं, जो डेली वेयर में करते हैं वही। उसके बाद चलिए मेकअप वगैरह हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ क्योंकि यही टाइम होता है जिसमें मैं सफाई वगैरह भी थोड़ा सा कर लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद जाऊंगी छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। कपड़ा डाल रखी हूँ तो देखूंगी कपड़े कहीं उड़ तो नहीं गए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बाल सुखा रही हूँ अपना छत पे क्योंकि बहुत मौसम अच्छा लग रहा था। और ये मौसम में बाबू सो रहा है तो थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिल गया है, तो यहाँ पे बाल सुखा भी लूंगी, घूम भी लूंगी। मैं इधर ग्रिल की तरफ खड़ी हो गई हूँ, तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद मैं कर रही थी यहाँ पे अपना वीडियो का एंड, तो वही थोड़ा सा क्लिप इस पे आ गया है। देख सकते हैं हैंकी टक अभी भी है हैंकी। उसके बाद गाइस मैंने बनाया है पास्ता नूडल कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ नूडल का मसाला है वही डाली हूँ। और लास्ट में इसमें मैं मिलाऊंगी मेन्यूज, जो कि तंदूरी मेन्यूज आपने देखा था वो मिला रही हूँ यहाँ पे। और यकीन मानिए बहुत यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी लगा था खाने में। जैसे लग रहा था जैसे बाहर खा रहे हम कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो चलिए उसके बाद बाबू को मैं दिखाती हूँ आपको दो चुटिया में। ये देखिए दो चुटिया वाला, मैं वही गा रही थी दो चुटिया वाला मियाँ जी की साला ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे बाबू को देख सकते हैं, मैं आई थी किचन में आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, यहाँ पे चाय चढ़ा रखी थी तो वही बातें कर रही थी। और फिर मैंने वॉइस जब ओवर कर रही थी तब मुझे लगा कि हाँ इसमें मैंने तो बात किया था, बट एनीवे चलिए गाइस फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। चाय बैठ जाइए लाला, बैठ जाइए, देखिए जाता है क्या बोल, आप मत बोलो देखो क्या कहता है। कहाँ जाएगा? क्या बोला? कहाँ जाएगा? अच्छा जा 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 जा, ले जाइए ले जाइए। चप्पल उपल पहन के एकदम सेट है पहली से, मास्क नहीं है दोनों के पास, समझे? हम बिना मास्क के जा रहे हैं। किट्टू बाय,
मास्क तो ले ले। मारेगा पकड़ के, कहेगा छोटा छोटा बच्चा है किट्टू भाई। अरे बदमाश भाई, मास्क दो। धोया नहीं है अब वो वाला, वो भी नहीं, ऐसे लगा लो। ये डेरी मिल्क खाता है, अब फोटो खींच के भेज देना, चीज दिवा के दे आइए, पता चले 1 रुपया का बच्चा को दिवा दो। अरे दे दे चाचू को भी दे दे। नहीं हम नहीं खाएगा, चाचू नहीं खाएगा, चाचू नहीं खाएगा। जा बाय कर दे, बाय कर दे, छी मुंह में ले रहा है। पापा, पापा, पापा। हाँ लाए यार, मुझे पढ़ लेने दे, हट जाए। अरे ले लो, कितने पे बुआ, बुआ को देगा। हाँ चलो क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे, क्लैपिंग करो। बुआ का केक कट कर दिया ना, बुआ क्लैपिंग करो। टू यू डियर पूजा, फाड़ दी शायद इसने, बिट्टी नहीं। हाँ वो है, आपको मिलेगा। अब कह रहा वो है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, ओम साई राम। और आज है डे बृहस्पतिवार, और अभी टाइम हो रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा, अभी 3 बज रहा होगा, और बाबू सो रहा है। आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, आवाज कम आ रही होगी। रीजन ये है कि मेरे पास यही टाइम होता है शूट करने का वीडियो, जब बाबू सोता है वही 1 या 2 घंटे के अंदर मुझे वीडियो शूट करना होता है, और एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ, ताकि नाइट में सिर्फ थंबनेल और वीडियो को अनलिस्टेड पे लगाना होता है। तो बस ब्लॉग को करना था एंड, और आप लोगों से करनी थी थोड़ी सी बातें, क्योंकि अभी मैं जितने भी बैड कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं रिप्लाई कर ही नहीं रही हूँ, अभी मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन हाँ वीक में एक दिन मैं उन लोगों को भी रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आप लोग वेट करिए, आप लोगों का भी नंबर आएगा जो लोग बेकार कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं बेकार कमेंट के लिए अपना टाइम बेकार नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग करते रहिए, बताऊंगी आप लोगों को भी, रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहली बात की दिल से थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैंने वेयर किया है ये सूट, क्योंकि बहुत दिन हो गया था साड़ी वेयर करते हुए, तो मन नहीं था साड़ी वेयर करने का, बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने सूट वेयर किया है। हेयर को मैंने किया था वॉश, और कमेंट भी आया था कि साड़ी के मतलब साड़ी के आप हेयर ड्राई करके बताइए, जो कि मैंने पहले किया हुआ है उसी हेयर का कमेंट कि बैठ के करना, तो वो भी रिक्वेस्ट है आप लोगों की, बहुत जल्द मैं पूरी करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो कमेंट आया है, जो ज्यादा ही आ रहा है कमेंट, सब पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली पूछना आप लोगों का फर्ज है, आप लोग मेरी फैमिली है और आपको जानने का भी पूरा हक है, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे कि आपको मतलब आप कितना यूट्यूब से कमा रही हैं, आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। तो काफी सारे कमेंट्स हैं कि इस चीज को लेके, एक बार ही नहीं बहुत बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा चलो जवाब दे देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा पीछे बैठ जाती हूँ, आगे आती हूँ। और लाइट बल्ब वगैरह मैंने नहीं जलाया हुआ है, जो रोशनी आ रही है वो मैंने हल्का सा पर्दा हटा दिया है रूम का,
और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हम इतने कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता हमारा एक रूम है। दूसरी बात कि मनीष जी नाइट ड्यूटी करते हैं, उनका यही टाइम होता है जब बाबू सोता है तब वो सोते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जिस टाइम वो सोते हैं उस टाइम मुझे वीडियो शूट करना होता है, तो बहुत मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक तो जरूर किया कीजिए, डिसलाइक भी आता है बट कोई बात नहीं। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत लोगों का ये था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उस टाइम पे भी मैंने नहीं बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा बताना। मोनेटाइजेशन के बाद भी बहुत स्ट्रगल होता है, जब तक हमारा चैनल अच्छे से ग्रो ना हो जाए तब तक कोई इतनी बिग खुशी नहीं होती है, क्योंकि एक डेढ़ साल हो गया चैनल ग्रो अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम अलग अलग कंटेंट भी लेके आ रहे हैं फिर भी लोगों को क्या पसंद आता है समझ नहीं आ रहा है। किसी किसी के ब्लॉग में आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा फिर भी उनका व्यूज बहुत अच्छे मिल जाते हैं, पता नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को कुछ समझ आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं भी वो चीजें लाऊं अपने ब्लॉग में। तो उसके बाद जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने नहीं बताया आप लोगों को, और चैनल मोनेटाइजेशन हुए मुझे हो गया जनवरी में हुआ था, तो आप लोग जोड़ लीजिए 5-6 महीने हो गए हैं। तो बीच में मेरे साथ क्या हो रहा था, जितने भी मेरे डॉलर बनते थे वो कट जा रहा था, तो उसके बाद अब मैंने अप्लाई किया हुआ है पिन के लिए। जैसे ही आता है पिन उसके बाद ही सैलरी आ जाएगी मेरी, तो बस। और जैसे ही सैलरी आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि सैलरी ऐसी चीज है जो कोई नहीं छुपाएगा, सैलरी जरूर बता दें। ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, हमारे कितने टाइम की मेहनत का फल मिलता है हमें, तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी मेरी कोई भी इनकम नहीं हो रही है यूट्यूब से, हाँ इनकम तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, जो डॉलर बन रहे हैं वो सेविंग ही हो रहा है, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, जब पिन आ जाएगी उसके बाद सैलरी भी आएगी, तो वो भी एक तरीके की अर्निंग ही हो रही है। तो प्रॉपर जब सैलरी आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। और चलिए बाकी बाद में आप नेक्स्ट ब्लॉग में करूंगी, क्योंकि इसमें करूंगी बहुत ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए बाय, टेक केयर।